ओके नो प्रॉब्लम. एंड रेनी सम रेनी सीजन रेनी वेदर इज देयर. ओके नो प्रॉब्लम. चलिए सो वी हैव बीन लर्निंग पैसिव वॉइस फॉर टू डेज एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट डे जिसमें हम पैसिव का थर्ड पार्ट करेंगे. वैसे तो पैसिव वॉइस एक ही है लेकिन उसको अपने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने उसका बेसिक सीखा, सेकेंड में एडवांस टॉपिक के साथ में उसको जोड़ दिया और थर्ड में उससे भी ज़्यादा एडवांस पे जाके हम सीखेंगे. ठीक है तो बहुत ध्यान से आप समझते जाइएगा. आई होप जितना भी अभी तक हमने पैसिव किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज भी जो सीखेंगे वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बस कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपने सीखा है अभी तक वॉट एवर यू हैव लर्न इन पैसिव वॉइस उसको कुछ चीजों के साथ में आपको बस लेते हुए चलना है. कुछ चीजें मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी से इतना बोलते हैं कि रोड की ही बात कर रहे हैं हम, रोड की, क्योंकि पहले भी हमने रोड का ही एग्जांपल लिया था तो रोड को ही लेके चलते हैं. ठीक है तो किसी से आपने बोला कि रोड बन रही है वहां पर, तो आपने ये सेंटेंस कैसे बोला? द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर. ठीक है द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर. ये आपने सेंटेंस बोला द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर. ठीक है ऐसी इसी सीक्वेंस में हम कुछ और सेंटेंस बोल के देखते हैं. जैसे क्लास पढ़ाई जा रही है तो इसे कैसे बोलोगे? द क्लास इज बीइंग टॉट. यस द क्लास इज बीइंग टॉट. ओके खाना बनाया जा रहा है. द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड. ओके रूम डेकोरेट किया जा रहा है. द होम इज बीइंग डेकोरेटेड. रूम और होम तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है. द रूम इज बीइंग डेकोरेटेड. ठीक है घर को पेंट किया जा रहा है. द होम इज बीइंग पेंटेड. द होम इज बीइंग पेंटेड. मोबाइल रिपेयर किया जा रहा है. द मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड. द मोबाइल इज बीइंग रिपेयर्ड. चलो बस अब यहाँ तक ही हम इसको रोक देते हैं और एक सेंटेंस मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखी दिया है. दूसरा एक और सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर और वो सेंटेंस ये है द क्लास इज बीइंग टॉट. द क्लास इज बीइंग टॉट. इसका मतलब है क्लास पढ़ाई जा रही है. ठीक है दिस सेंटेंस मीन्स क्लास पढ़ाई जा रही है. अब इस क्लास की जगह मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे रख देता कि छोटू को पढ़ाया जा रहा है. एक सेंटेंस अगर मैं ये रख देता कि छोटू को पढ़ाया जा रहा है, छोटू की पिटाई की जा रही है, छोटू को दंड मिल रहा है, छोटू की डांट पड़ रही है, छोटू को निमंत्रित किया जा रहा है, छोटू का ट्रांसफर हो रहा है, छोटू को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हर जगह जो भी काम किए जा रहे हैं वो किसके ऊपर हो रहे हैं? छोटू के ऊपर. छोटू. ठीक है हमने एक ऐसी नाम ले लिया है छोटू. ठीक है छोटा सा नाम है छोटू है इसलिए इसको ले लिया है यहाँ पर. तो आप जानते हैं जब पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले वर्क आता है, उसके बाद में हमें बी रखना है, उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म रखनी है और अगर जरूरत पड़े तो आपको बीच में टाइम वर्ड को रख देना है, नहीं पड़े तो टाइम वर्ड को नहीं रखाना है. ठीक है तो छोटू आ गया, छोटू के बाद बी आ गया, बी के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म जैसे मैंने टॉट ले लिया, छोटू को पढ़ाया जा रहा है, तो छोटू बी टॉट ये तीन तो आ ही गए. अब यहाँ पर क्या करना है, काम चल रहा है तो इज लगाएंगे, यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे और देखिए सेंटेंस बन गया छोटू इज बीइंग टॉट. ये सेंटेंस लोग बहुत सारे गलत बोल देते हैं, बहुत सारे लोग इस सेंटेंस को सही से बोल ही नहीं पाते हैं बल्कि इसकी जगह क्या बोल देते हैं, छोटू इज टीचिंग. छोटू इज टीचिंग ये कर देते हैं जबकि छोटू इज टीचिंग और छोटू इज बीइंग टॉट में जमीन आसमान का फर्क है. जो छोटू इज टीचिंग है ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है और छोटू इज बीइंग टॉट जो आपका सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है. आप इसे कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका मैंने ऊपर लिख रखा है. अगर आपको ये तीन शब्द दिखाई दे जाएं वर्क बी और एक्शन थर्ड फॉर्म तो समझ जाइए कि वो पैसिव वॉइस है. तो पहला वाला सेंटेंस जो है उसमें ये तीनों वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है. दूसरे सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं छोटू इज टीचिंग यानी कि जो छोटू है वो डूअर है और वो क्या काम कर रहा है, वो टीचिंग वाला काम कर रहा है यानी कि छोटू यहाँ पर एक्टिव है.
तो छोटू यहाँ पर जो भी काम कर रहा है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, और उसके बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चल रहा कि काम को करने वाला कौन है। वी डोंट नो हु इज डूइंग द वर्क, हमें बिल्कुल भी नहीं पता काम कौन कर रहा है। हमें बस इतना पता है कि जो भी काम है वो किस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है। तो जिस व्यक्ति के ऊपर हो रहा है वो है छोटू, यानी कि छोटू यहाँ पर हमारे लिए वर्क बना हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक इंसान, ठीक है, कोई सा भी डूअर दो रोल प्ले कर सकता है, कभी वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और कभी वो सब्जेक्ट बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे लिया जा रहा है। एक डूअर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक डूअर सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया विकास, अब अगर मैं ये कहूं कि विकास मेरा ट्रांसफर कर रहा है, विकास मेरा ट्रांसफर कर रहा है, तो विकास यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट, यानी विकास एक काम को अंजाम दे रहा है। और मैं अगर ये बोलूं कि विकास का ट्रांसफर हो रहा है, यानी अब विकास सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि विकास क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। विकास के ऊपर काम हो रहा है, यानी विकास इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो बस आपको आज खास यही बात बतानी थी कि अभी तक हमने जितने भी पैसिव वॉइस सीखे 2 दिन के अंदर, उन दोनों दिनों में हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों की बात करी थी, इंसानों की बात नहीं करी थी। और चीजें क्या क्या थी? जैसे कपड़े धुल रहे हैं, रोड बन रही है, मैगी बन रही है, घर पेंट हो रहा है, रूम सज रहा है, कार बेची जा रही है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। इन केस अगर कोई इंसान आ जाए और इंसान के ऊपर ही कोई काम होने लग जाए तो वो भी तो वर्क का रोल प्ले कर सकता है। जरूरी थोड़ी ना हर इंसान हमेशा डूअर ही रहेगा। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, मैं डूअर हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी कि आप एक्टिव नहीं है। इट मीन्स आप क्या हो गए? आप पैसिव हो गए, क्योंकि आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आपके ऊपर पढ़ाने वाला काम किया जा रहा है, और आप यहाँ पर एक वर्क का रोल प्ले करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब इसके हम एक सर, लाइन से देखते मैं चले आस्क यू जाते हैं। समथिंग यस मैम, आस्क। सर, इसलिए कैसे बनेगा कि रुद को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या उन्हें खिलाया जा रहा है? अच्छा, नहीं, अभी बनाया तो था, छोटू इज बीइंग टॉट, छोटू को पढ़ाया जा रहा है, ओके वही बनाएंगे। अभी तो हम पूरी क्लास में वही बनाएंगे सारे सेंटेंस। अभी तो मैंने बस शुरुआत करी है, अभी बस इतना बताया है कि किसी चीज की जगह पर किसी इंसान को रख के भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी वो व्यक्ति खुद काम ना करके बल्कि वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में भी सेंटेंस बन जाते हैं कई सारे, और बनाने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है हमें। आपको वही 3 चीजें याद रखनी है, वर्क, बी, एक्शन, थर्ड फॉर्म, और बनाते चले जाइए बस। वर्क, बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म, बस। अब इसके बेसिस पे आप बनाते चले जाइए, टाइम वर्ड जरूरत होगी तो लगा देंगे, नहीं तो रहने देंगे उसको। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है पार्टी में, तो किसे इनवाइट किया जा रहा है? मुझे, आए आ गया, बी आ गया और इनवाइटेड आ गया। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ पैसिव इनवाइटेड। वॉइस। उसके बाद काम चल रहा है तो आए के साथ एम और बी में आईएनजी लग जाएगा, यानी आई एम बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी। आई एम बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी, मुझे पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है। जगह है यहाँ पर, लिख लेते हैं, आई एम बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी, मुझे पार्टी में बुलाया जा रहा है। ठीक है, नितिन की डांट पड़ रही है, यानी नितिन की डांट पड़ रही है। अब डांटने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नितिन डांट खा रहा है इसलिए नितिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं कि पैसिव है एक्टिव है। तो यहाँ पर नितिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, नितिन यानी कि नितिन एक ऑब्जेक्ट है और वे इंपॉर्टेंट है, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो सबसे पहले हमने नितिन को रख दिया यहाँ पर, इज बीइंग स्कॉल्डेड। यहाँ बी रखा और यहाँ पर स्कॉल्डेड रख दिया। अब काम चल रहा है तो फिर से हमने इज लगाया और आईएनजी लगा दिया, नितिन इज बीइंग स्कॉल्डेड, यानी नितिन की डांट पड़ रही है, नितिन इज बीइंग स्कॉल्डेड। इसी तरीके से मैंने कहा कि उस लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई मोहतरमा है, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, यानी कि विदेश भेजा जा रहा है। तो उस लड़की को हमने यहाँ पर रख दिया शी, यहाँ पर डी रखा, यहाँ पर सेंट रख दिया, SENT, थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर टू ऑस्ट्रेलिया, ये रख दिया। अब काम चल रहा है तो इज लगाया और एक्शन में आईएनजी, यानी कि बी में आईएनजी लगा दिया।
तो सेंटेंस हो गया शी इज बीइंग सेंट टू ऑस्ट्रेलिया, यानी उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है, शी इज बीइंग सेंट टू ऑस्ट्रेलिया. इसी तरीके से अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आज मेरी डांट पड़ गई है, आज मेरी डांट पड़ गई है, यानी किसके ऊपर काम हुआ, मेरे ऊपर, तो मैंने अपने आप को रख दिया, फिर बी को रख दिया, फिर स्कॉल्डेड रख दिया. आज की डेट में कोई काम हुआ है, इसका मतलब कोई काम हाल फिलहाल में ही हुआ है जिसका इफेक्ट अभी तक मेरे ऊपर है, तो मैंने हैव लगा दिया और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, आई हैव बीन स्कॉल्डेड टुडे, यानी आज मेरी डांट पड़ चुकी है, आज मेरी डांट पड़ी है, आई हैव बीन स्कॉल्डेड टुडे. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं उन सबको बुलावा दे दिया गया है, उन सबको इनवाइट कर दिया गया है, दे हैव बीन इनवाइटेड. दे हैव बीन इनवाइटेड इन द पार्टी, उन सभी को पार्टी में इनवाइट कर लिया गया है, दे हैव बीन इनवाइटेड इन द पार्टी, इन द पार्टी आगे आप लिख सकते हैं इसमें, दे हैव बीन इनवाइटेड. ठीक है, अब ऐसी मैं मान लीजिए आपसे ये कहूँ कि आप लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया है, जैसे चारू मैम आपने अपना होमवर्क कर लिया, खुशी मैम ने कर लिया, हर्ष और रिंकल ने अपना होमवर्क पूरा नहीं करा है, तो मैंने कहा रिंकल और हर्ष आज आपकी डांट पड़ेगी, यानी कि आज आपको डांटा जाएगा, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो हम यहाँ पर रिंकल और हर्ष को रख देते हैं, रिंकल एंड हर्ष विल बी स्कॉल्डेड टुडे. यानी आज आपकी डांट पड़ेगी, रिंकल एंड हर्ष विल बी स्कॉल्डेड टुडे. फिर मैंने अगर ये बोला कि रिंकल और हर्ष दोनों को ही दंड दिया जाएगा, तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, रिंकल एंड हर्ष विल बी पनिश्ड, ये हम रख देंगे, रिंकल एंड हर्ष विल बी पनिश्ड. सब पैसिव वॉइस है, बिल्कुल वैसी की वैसी हो रहा है, बस आप आज यहाँ पर जो एक नई चीज देख रहे हैं वो ये है कि जो वर्क है उसकी जगह पर आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं, बस बाकी सब कुछ वैसे ही वैसा है, सिर्फ वर्क की जगह पर आपको कौन दिखाई दे रहा है, इंसान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं चीजों की जगह. कल तक ऐसा नहीं हो रहा था, कल तक हम यहाँ पर किन चीजों को रख रहे थे, जो कि निर्जीव होती है, जिनमें कोई जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग रख रहे थे हम यहाँ पर, या थिंग्स रख रहे थे, ठीक है, चीजें रख रहे थे यहाँ पर, लेकिन आज हम लिविंग थिंग यानी कि जीते जागते इंसानों के ऊपर काम होता हुआ दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. अब जैसे मैंने कहा कि छोटा चेतन जो है, छोटा चेतन को जेल भेजा जाना चाहिए, छोटा चेतन को जेल भेजा जाना चाहिए, इसको आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, छोटा चेतन शुड बी सेंट टू जेल. वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस. छोटा चेतन शुड बी सेंट टू जेल, छोटा चेतन शुड बी सेंट टू जेल. ठीक है, जेल को जेल ही बोल सकते हैं हम, छोटा चेतन. अब ये छोटा चेतन हमारे लिए कौन हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, छोटा चेतन, और यहाँ पर हमने लगा दिया शुड क्योंकि सलाह दे रहे हैं, बी ऐसी उतर के आ जाएगा, यहाँ पर सेंट आ गया, शुड बी सेंट टू जेल. ठीक है, जेल इंग्लिश वर्ड होता है, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, छोटा चेतन शुड बी सेंट जेल. कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम इतने बिजी व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों को इनवाइट करना, तो बाद में हमें याद आता है और हम कहते हैं अरे यार उनको वो तो इनवाइट ही नहीं हो पाए, अरे यार वो तो इनवाइट ही नहीं हो पाए, वो तो बहुत महत्वपूर्ण इंसान है हमारे लिए, वो इन्वाइट ही नहीं हो पाए, ही कुड नॉट बी इन्वाइटेड. आपको पैसिव वॉइस पहचानना है, आप देख लीजिए वर्क, बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म, बस ये तीन दिख गए समझ जाइए पैसिव वॉइस है. ही कुड नॉट बी इनवाइटेड, आप अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि अरे यार वो तो इनवाइट हो ही नहीं पाए, अलास ही कुड नॉट बी इनवाइटेड. वो इनवाइट किए जाने चाहिए थे, यानी उनको इनवाइट किया जाना चाहिए था. शुड बी इनवाइटेड,
should have been जी, invited. जी, correct. He should have been invited. उनको invite किया जाना चाहिए था. He should have been invited. अगर आप बोल रहे हैं कि उनको invite किया गया होगा, उनको invite किया गया होगा. He may have been invited. Yes, he may have been invited. उन्हें शायद ही इनवाइट किया गया होगा क्योंकि उनसे ज्यादा ताल्लुकात नहीं है हमारे. He might have been invited. उन्हें पक्का इनवाइट किया गया होगा, वो तो बहुत सगे संबंधी है. He must have been invited. ऐसे बोला जाएगा. अच्छा, उनसे लड़ाई हो गई थी वरना उन्हें इनवाइट किया गया होता. उनसे हमारी लड़ाई हो गई थी वरना उन्हें इनवाइट किया जाता या उन्हें इनवाइट कर दिया गया होता. मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी. I fought with him. Otherwise, I would have been invited. I would have been invited का मतलब है मैं इनवाइट हो गया होता. Otherwise, I fought with him. Otherwise, he would have been invited. He would have been, yes, sir. ये सेंटेंस है. तो पहला वाला सेंटेंस जो आपको दिख रहा है वो एक्टिव वॉइस है, फर्स्ट सेंटेंस. और जो दूसरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है वो पैसिव वॉइस है. आई फॉट विद हिम यानी मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, मैंने उनसे झगड़ा कर लिया था. अदरवाइज ही वुड हैव बीन इनवाइटेड वरना उनको इन्वाइट किया जाता या उनको इन्वाइट कर दिया गया होता. कुछ और अलग सेंटेंस लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपको दंड मिले. मैं चाहता हूँ आपको दंड मिले. ये भी पैसिव वॉइस ही है. इसमें एक्टिव और पैसिव मिक्स्ड है. देखो सबसे पहले हम क्या रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे आई वॉन्ट. ठीक है, मैं चाहता हूँ, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस. आई वॉन्ट यू विल बी पनिश्ड टू बी पनिश्ड. I want you to be punished. I want you to be punished. तो यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है ये active voice है. I want यानी मैं चाहता हूँ. और यहाँ पर जो sentence है you to be punished ये पूरा passive voice है. क्योंकि यहाँ पर work है, be है और action की third form है. To को लगाना जरूरी था क्योंकि आप जानते हैं want के साथ to आता है अगर कोई action आ जाए तो. Want और be को connect करने के लिए बीच में to की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए to लगा रखा है. I want you to be punished. मैं चाहता हूँ आप punish हो. सर को तो invite होना ही होना है party के अंदर. सर को तो invite होना ही होना है party के अंदर. So यहाँ पर चीजें सर लग देंगे. Sir must be invited. अब आप देखिए यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है. Sir has to be invited. या आप must रख दीजिए. Sir must be invited. ये रखिए, ये रखिए. तो मेरे हिसाब से मेरे को हैज टू अच्छा लगा तो मैंने हैज टू लगा दिया. वरना किसी किसी को तो इज टू भी अच्छा लगता है. सर इज टू बी इनवाइटेड. सर को इनवाइट किया जाना है. सर इज टू बी इनवाइटेड इन द पार्टी. अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो हमने कल छोड़ दिया था. कल मैंने आपको ध्यान होगा मैंने दो क्वेश्चन वर्ड्स छोड़ दिए थे, हु और हुम. तो उसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. आप अगर आप हुम को देखें, हुम को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट जानने के लिए. ऑब्जेक्ट वो भी लिविंग थिंग होना चाहिए, इंसान होना चाहिए. ठीक है. और हु को हम यूज करते हैं किसी के आइडेंटिफिकेशन जानने के लिए, यानी सब्जेक्ट डूअर को जानने के लिए. तो डूअर हो या ऑब्जेक्ट हो दोनों में ही इंसान आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएंगे यहाँ पर. इसलिए मैंने छोड़ दिया था. और आज हमने जो पैसिव किए हैं उसमें ह्यूमन बीइंग को ही हम सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं यहाँ पर. इसलिए पैसिव वॉइस थोड़े आपको विचित्र, थोड़े अलग देखने को मिल रहे हैं. हुम से भी हम सेंटेंस बनाएंगे और हु से भी. सबसे पहला सेंटेंस मैंने यही बोला कि कौन पिटेगा. कौन पिटेगा? Who is being scolded?
who will be scolded, sorry, who will be beaten, पिटेगा ना, who will be beaten, तो who आ गया, will आ गया, be आ गया और beaten आ गया, who will be beaten, ये देखिए who की जगह पर, ये verb की जगह पर who आ रहा है, who will be beaten, कौन पिटेगा, किसको अमेरिका भेज दिया गया है, who has been sent to Australia, अमेरिका, sorry, who has been sent to America, किसको अमेरिका भेज दिया गया है, who has been sent to America, किसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, किसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, who has been quarantined, who has been quarantined, very good, किसको आइसोलेटेड कर दिया गया है, who has been isolated, who has been isolated, किसको आइसोलेट किया जाएगा, who will be isolated, who will be isolated, किसको इनवाइट किया जाएगा, who will be invited, who will be invited, किसका ट्रांसफर किया जाएगा, who will be transferred, who will be transferred, अच्छा अभी अभी किसकी डांट पड़ी थी, अभी अभी किसकी डांट पड़ी है, who was, अभी अभी तो यही होगा सेंटेंस, who has been scolded, who has been scolded just now, just now, who has been scolded just now, बिल्कुल अभी अभी, who has been scolded just now, चलिए और सेंटेंस बोलते हैं, जैसे आपको कौन जानता है, इसे कैसे बोलेंगे, आपको कौन जानता है, who know you, who knows you, who knows you, ये पैसिव वॉइस नहीं है, मैं पहले से आपको बता दूं, दिस इज नॉट पैसिव वॉइस, who knows you, क्योंकि ना यहाँ पर be है, ना यहाँ पर object है, object है तो सही, लेकिन starting में subject के लिए who को use करा जा रहा है, तो ये active voice है, इसको passive में बनाना है, who knows you, आपको कौन जानता है, इसको passive में बनाना है, who is being known by you, ये सेंटेंस होगा, टू हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन, हु नोज यू का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, टू हुम आर यू नोन, अब इसमें कोई भी डाउट हो तो वो देखते हैं, देखिए कैसे, ये जो हुम है ये किसकी जगह पर आया, ऑब्जेक्ट यानी कि वर्क, ठीक है, वर्क की जगह पर आया, ये जो आर है ये कौन है, ये है बी, ठीक है, और ये कौन है, एक्शन की थर्ड फॉर्म, ये एक्शन की थर्ड फॉर्म है, इसका आंसर देके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पहले इसका आंसर देके देखिए, टू हुम आर यू नोन, तो इसका आंसर आर यू नोन का आंसर दीजिए सबसे पहले, आर यू नोन, इसका आंसर क्या होगा, आर यू नोन, क्या आप जानते हो, आर यू नोन का आंसर मुझे देना है, आई एम नोन, ठीक है, यहाँ आगे से हमने टू को उठाया, टू को लास्ट में लगा दिया, आई एम नोन टू, और यहाँ पर रख दिया यू, आई एम नोन टू यू, आई एम नोन टू यू यानी कि मैं आपसे परिचित हूँ, मैं आपसे जाना जाता हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ, ठीक है, इस तरीके से आई एम नोन टू यू, टू हुम आर यू नोन, आप किससे जाने जाते हो, यानी आपको कौन जानता है, आप एक्टिव में बोलेंगे तो आपको कौन जानता है, पैसिव में बोलेंगे तो आप किसके द्वारा जाने जाते हो, या आप किससे परिचित हो, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे, तो इसका जो आंसर बना है वो है आई एम नोन टू यू, मैं आपको जानता हूँ या मैं आपसे परिचित हूँ, आई एम नोन टू यू, आई एम नोन टू यू की सीधी सीधी हिंदी बनती है कि मैं आपसे परिचित हूँ, मैं आपसे जाना जाता हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ, अगर सेंटेंस ये हो जाए कि विवेक सर ने मुझे पढ़ाया था, विवेक सर ने मुझे पढ़ाया था, इसको कैसे बोलेंगे, विवेक सर विवेक सर
taught me. सीधे second form लगा देंगे, past की बात है. Yes. अब अगर आपसे ये question किया जाए कि आपको आपको किसने पढ़ाया था, एक तो active voice को किसने पढ़ाया था, तो विवेक सर की जगह सीधे who लगा देंगे. Who taught you? एक तो ऐसे हो जाएगा, who taught you, आपको किसने पढ़ाया था. एक हम सेंटेंस ऐसे भी तो बना सकते हैं, आप किसके द्वारा पढ़ाए गए थे, यानी आप किससे पढ़े थे, आप किससे पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय हुम, बाय हुम वर यू टॉट. ये हो जाएगा बाय हुम वर यू टॉट, आप किसके द्वारा पढ़ाए गए थे. तो आप बस इतने का आंसर दीजिए, वर यू टॉट का आंसर दीजिए, वर यू टॉट, क्या आप पढ़ाए गए थे, आई वॉज टॉट, मैं पढ़ाया गया था, आई वॉज टॉट. अब यहाँ क्या आ जाएगा, बाय विवेक सर, मैं विवेक सर के द्वारा पढ़ाया गया था. तो ये बाय हुम का आंसर आपको लास्ट में दिख रहा है, बाय विवेक, और वर यू टॉट का आंसर है आई वॉज टॉट. ये भी पैसिव वॉइस है, कैसे है इसमें देखिए, आए ये हो गया आपका वर्क, ये हो गया बी, और ये हो गई एक्शन थर्ड फॉर्म, और ये बाकी का पार्ट होता है जो सेंटेंस का वो है. I was taught by विवेक सर, मुझे विवेक सर द्वारा पढ़ाया गया था. आपका ट्रांसफर किसके द्वारा किया गया था, by whom were you transferred? दो बातें बोल सकते हैं, देखो एक तो सीधे ऐसे बोल सकते हो, who transferred you, सीधे ऐसे बोल दो, किसने आपका ट्रांसफर कर दिया था, ये एक्टिव वॉइस हो गया. दूसरा आप कैसे बोल सकते हो, बाय हुम वर यू ट्रांसफर्ड, बाय हुम वर यू ट्रांसफर्ड, ये पैसिव वॉइस है. तो आप एक्टिव पैसिव जो चाहे अच्छा लगे आपको वो बोल सकते हैं आप. तो हु ट्रांसफर्ड यू या बाय हुम वर यू ट्रांसफर्ड, आप किसके द्वारा ट्रांसफर हुए थे, आप किससे पिटे थे, आप किससे पिटे थे, बाय हुम वर यू बीटन, वेरी गुड, बाय हुम वर यू बीटन, एक तो ये बोल सकते हैं. दूसरा तरीका आपका एक्टिव वॉइस वाला, हु बैट यू, हु बैट यू, सीधे सेकंड फॉर्म लगा के बोल सकते हैं, किसने आपको पीटा था, आप आपके किसके द्वारा डांट डांट पड़ी थी, यानी आपकी डांट किससे पड़ी थी, बाय हुम वर यू स्कॉल्डेड, बाय हुम वर यू स्कॉल्डेड, और किसने आपको डांटा था, किसने आपको डांटा था, हु स्कॉल्डेड यू, सिंपल, वेरी गुड. चलो अब सेंटेंस अगर आपको ये बोलना है कि मुझसे कहा गया था यहाँ पर आने के लिए, मुझसे कहा गया था यहाँ पर आने के लिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, वेरी गुड, आई वॉज टोल्ड टू कम हियर. देखो ये सेंटेंस है, आई वॉज टोल्ड टू कम हियर, अगर यहाँ से आप वॉज हटा देते तो इसका मतलब हो जाता मैंने कहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा भैया, मुझसे कहा गया था उल्टा. तो यहाँ पर जो आए है वो क्या है, आए हो गया यहाँ पर वर्क, ठीक है, ये हो गया आपका बी, ये हो गई एक्शन की थर्ड फॉर्म, बाकी बचा हुआ सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आई वॉज टोल्ड टू कम हियर, मुझसे यहाँ कहा, मुझसे कहा गया था यहाँ आने के लिए, मुझसे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था, I was asked. ठीक है, मुझे इनवाइट किया गया था, I was invited. मुझे भेजा गया था, I was sent. मुझे डांटा गया था, I was scolded. मुझे पीटा गया था, I was beaten. ये देखिए इतने सारे सेंटेंस आपके. तो अब आई होप कुछ भी नहीं बचा है पैसिव वॉइस के अंदर, बस एक तरीके के सेंटेंस और हैं, वो बहुत आराम से आप चाहें तो खुद ही बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बना सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप शायद बना लेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरीके के सेंटेंस आपके बचे हुए हैं. जैसे आप सीधे सीधे किसी को ऑर्डर दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, ना राजा महाराजाओं की तरह आदेश दे देते हैं, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, जाओ दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, चादर बिछा दो,
दूध उबाल दो, नाचो गाओ खाओ पियो बोलो, ऐसे करके आप किसी को ऑर्डर देते रहते हो। तो जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो मान लीजिए आपने किसी से कहा कम हियर, यहाँ आओ, पहला सेंटेंस। दूसरा आपने कहा ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। तीसरा आपने कहा गो देयर, वहां चले जाओ। चौथा आपने कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। फिफ्थ आपने कहा बॉइल द मिल्क। अब ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं सारे, इनको अगर आप पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा कि आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बना पाएंगे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन कोशिश करिए इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। यहाँ तो आप सीधे सीधे आदेश दे रहे हो, आदेश देने वाले आप हो यहाँ पर, यानी कि आप एक्टिव हो, लेकिन अब आदेश देने वाले को गायब कर देना है और जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस दे देनी है। तो भाई कैसे बनेंगे, तो बड़े खतरनाक सेंटेंस हो गए हैं, तो छोटे से, लेकिन तो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो फर्स्ट वाले का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, थर्ड वाले का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव, ठीक है, तो इन दोनों का तो बनेगा ही, इसको तो हम क्रॉस लगा देते हैं। अब बच्चा आपका ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, बॉइल द मिल्क, यानी कि किसी ने आपसे कहा कि खिड़की खोल दीजिए, अब इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने आपसे कहा कि खिड़की खोल दीजिए, आपको इसे पैसिव में बनाना है, ठीक है। तो किसी ने कहा तो यानी कि वो एक्टिव कहने वाला व्यक्ति, अब यहाँ पर हमें कहने वाले की इम्पोर्टेंस ना ज्यादा देते हुए काम की ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा ये सेंटेंस, लेट द विंडो बी ओपनड, ये सेंटेंस बनेगा, लेट द विंडो बी ओपनड, यानी विंडो को खुले रहने दो, लेट द विंडो बी ओपन। तो आपने क्या बोला, ओपन द विंडो, यानी विंडो खोल दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, तो आपने सीधे बोल दिया खिड़की खोल दो, आपने आदेश दे दिया, यहाँ पर आप एक्टिव हो, और वहां आपने क्या बोल दिया, लेट द विंडो बी ओपन, यानी विंडो को खुले रहने दीजिए, यानी कि विंडो को खोलने वाला हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा कौन है, विंडो। सो लेट द विंडो बी ओपन, अब ऐसी आगे के बना दीजिए, लेट द डोर बी क्लोज, और आगे का बना दीजिए, दूध उबलने दो, लेट द बॉइल, लेट द मिल्क बी बॉइल्ड, लेट द मिल्क बी बॉइल्ड, ये लीजिए हो गए सारे। तो इसमें एक तरफ हम देख रहे थे कि एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जो काम को करेगा, लेकिन हमने उसकी इम्पोर्टेंस ही छीन ली सारी की सारी, हमने इम्पोर्टेंस दे दी काम को, यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस दे दी दूध को, वहां पर दे दी दरवाजे को, और सबसे ऊपर दे दी हमने खिड़की को, इंसान को तो हमने गायब ही कर दिया वहां से, क्योंकि ये बात आप किसी ना किसी से बोल रहे थे, और जिससे भी बोल रहे थे वो एक्टिव था, लेकिन उसको तो हमने खत्म ही कर दिया, उसकी तो हमने बात ही बिल्कुल हटा दी, और सीधे सीधे बातों को रख दिया यहाँ पर, यानी कि काम को, तो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। लेट द विंडो बी ओपन, लेट द डोर बी क्लोज, लेट द मिल्क बी बॉइल्ड, लेट द बिल बी पेड, बिल पे होने दो यार, क्यों टाइम लगवा रहे हो, लेट द सॉन्ग बी प्लेड, जैसे गाना बजा रहे हैं कोई, और वहां पर कोई व्यक्ति आके बोलता है यार ये गाना हटाओ बेकार है, तो आपने उस जगह पर ऐसे बोल दिया नो नो लेट दिस सॉन्ग बी प्लेड, ये गाना बजने दो, लेट दिस सॉन्ग बी प्लेड, लेट द फ्लोर बी मूव्ड, पोछा लगने दो भाई, बार बार पैर लेके आ रहे हो, लेट द फ्लोर बी स्वेप्ट, झाड़ू लगने दीजिए यहाँ पर, लेट द एम्प्लॉयज बी ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉयज का ट्रांसफर होने दीजिए, मत रोकिए ट्रांसफर को, लेट द मास्क बी वोर्न, मास्क पहना जाने दीजिए, लेट द हैंड्स बी सैनिटाइज्ड, हाथों को सैनिटाइज होने दीजिए। ये ऑर्डर एंड कमांड वाले जो सेंटेंस है उसका पैसिव है,
अब आपके पास में एक चीटी बराबर भी पैसिव वॉइस का कुछ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ कर लिया। एक चीटी बराबर भी बोलते ना कि ये रह गया, कुछ भी नहीं रह गया है। किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, और इनफैक्ट अभी मैं आगे वाले कुछ पार्ट में, जो मीटिंग का आगे का पार्ट बचा हुआ है, उसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ और आप देखिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस शायद नहीं होगा, और ये श्योर हूं मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ा दिया है। कुछ भी नहीं बचेगा पैसिव में, जो भी आप पूरी कहीं की भी कोई सी किताब उठा के देख लीजिएगा। वोकैबुलरीज आपको परेशान करें वो एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी ग्रामर नहीं बची है पूरी इंग्लिश में जहां आप पैसिव वॉइस ना बना पाए, जिसका सब कुछ हो गया है। तो आज ये पैसिव वॉइस यहाँ पर ही समाप्त होता है। सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मीटिंग। उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आप बैठ के आराम से उसे बनाइए, एक बार छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए रिकनेक्ट कर लीजिए। ओके सर।